फिंगर फ्राई हो रही है गर्मा गर्म तेल में, हमारी फिंगर जो है वो तली जा रही है, फ्राई हो रही है। ये मंचूरियन है, ये भी फ्राई हो गए हैं। टेक्सचर देखो और इसका टेक्सचर देखिए, पूरे बिल्कुल लाल हो गए हैं फ्राई करके, बिल्कुल करारे करारे हो गए हैं। ये रोल जो है फ्राई हो रहे हैं, चाप है, रोल है, चौमिन है, मोमोस है, फिंगर है, मंचूरियन है। ये सब आप अपने अपने हाथ से सारी चीजें तैयार करते हैं? हाँ जी, सब सारी चीजें घर पे तैयार करते हैं, सारी चीजें घर पे तैयार करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे गरम गरम तेल में जो है ये फ्राई कर रहे हैं। अभी जो ये फ्राई हो रहे हैं, ये मोमोज फ्राई हो रहे हैं और रोल फ्राई हो रहे हैं। ये जो रोल है, ये किस चीज के रोल है? ये चौमिन पनीर रोल है, पनीर रोल है। ये जो अभी रोल फ्राई हो रहे हैं, ये पनीर रोल है और मोमोज है। और ये जो मोमोज है, ये सोयाबीन के मोमोज बता रहे हैं। और ये तेल जो यूज करते हैं आप, ये कौन सा तेल यूज करते हैं? ये महाघोष, रिफाइंड यूज करते हैं आप। अभी हमने दो आइटम लगवाई है इनसे, फिंगर लगवाई है और स्टीम मोमोज लगवाए हैं। तो अभी हम चेक करके बताते हैं इनका फिंगर का टेस्ट कैसा है। इनकी जो चटनी है वो काफी लाल है, और इनकी खास बात है जो इन्होंने साथ में मेयोनीज भी दे रखी है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। एक बाइट और लेते हैं। बहुत अच्छा है, और चटनी के साथ मेयोनीज लगा के खा रहे हैं, उसका टेस्ट अलग ही आ रहा है। मेयोनीज में जो थोड़ा है मीठापन आ रहा है, जो टेस्ट बढ़ा रहा है। अभी हम चेक करते हैं इनके स्टीम मोमोज। तो ये स्टीम मोमोज है इनका, सोयाबीन का है ये। और इसको अभी हम चेक करते, देखिए पूरा सोयाबीन जो है अंदर तक फिल कर रखा है, और वो भी मसाले में है पूरा। अब इसको हम चेक करते हैं, एक बाइट लेते हैं छोटी सी, उसके बाद बताते हैं कि हमने चटनी ले ली है, लाल चटनी है ये। और ये हमने ले ली मेयोनीज, और अभी चेक करके बताते हैं। गरम गरम है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और जैसा आपने तो बताया था फिंगर में, कि जो चटनी का टेस्ट है और मेयोनीज का टेस्ट है, बहुत अच्छा आ रहा है। अब हमने ऑर्डर दिया है ग्रेवी चाप, तो अभी हमें हमारी जो चाप है वो तैयार होने जा रही है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये ग्रेवी चाप कैसे बनाते हैं। देर में तैयार होने वाली है, और ये देखिए किस तरह अभी तैयार हो गई है। ये जो चाप है हमारी तैयार हो गई है, और देखिए लालपन इसमें कितना आ गया है, पूरा एकदम पक गया है, फ्राई कर दिया बिल्कुल। और अभी ये ग्रेवी के लिए जाएगी, और इसमें जो भी मिक्सचर करेंगे देखते हैं इसका। अब इसमें प्याज मिक्स करेंगे। ये भैया देखिए इनकी स्पीड देखिए प्याज काटने की, और ये मिक्स कर दिया है बाउल में एक, इसमें मसाला डाल रहे हैं। इसके बाद ये डालेंगे मेयोनीज, उसके बाद इन्होंने डाल दी ये लाल चटनी, और ये इसमें पूरा मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए बिल्कुल कलर, देखिए इसका कलर ऐसा आ गया है बिल्कुल लाल कलर। ये चाप है, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और एकदम गर्मा गर्म है। देखिए कितनी भाप निकल रही है, इतने ठंडे मौसम में बिल्कुल भाप बाहर निकल रही है इसकी। और इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए, इसका कलर बिल्कुल लाल हो चुका है। इसमें चटनी मिक्स है, मेयोनीज मिक्स है, ये प्याज मिक्स कर रखा है इसमें। और एक चीज और खास बात है कि ये इतनी प्लेट जो है, ये फुल प्लेट दे रखी है इन्होंने, मात्र 40 रुपए की है। तो ये जो मात्र 40 रुपए की प्लेट है चाप की, इसको हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। चेक करते हैं, एक बाइट लेते हैं। एकदम गर्म गर्म है, खाने में बहुत मज़ा आ रहा। और भाई वही बात कहना चाहूँगा, जैसे हमने इनके फिंगर खाए हैं, फिंगर में भी वही टेस्ट आया है।
जैसे हमने फिंगर खाया, फिंगर में बहुत टेस्ट आया, मोमोज भी बहुत टेस्टी लगे, उसी तरह से इनकी चाप भी जो है बहुत टेस्टी है। भैया ने देखो रोल लगाया अभी और रोल खा रही है, इनसे पूछते हैं रोल का टेस्ट कैसा है। तो ये भैया आप कब से रोल खा रहे हैं यहाँ पर? हो गया एक महीने से, होगा एक महीने से ज़्यादा हो गया है। तो कैसा टेस्ट है इनका? अच्छा टेस्ट है, टेस्ट है बढ़िया है। और कब से खा रहे हैं ये? बढ़िया टेस्ट है भाई, टेस्ट बढ़िया। अभी क्या खाया आपने? रोल खाया। रोल खाया है इन्होंने और रोल का टेस्ट? टेस्ट बढ़िया है एकदम। मैं यहाँ पे कम से कम एक डेढ़ महीने से खा रहा हूँ। डेढ़ महीने से एक बार खा के गया था तब से। अभी हम गुप्ता जी की दुकान पर आए, हमने जो भी वैरायटी चेक करी है, इनके मोमोज खाए हैं, चाप लिए हैं इनसे, और इनके रोल हैं, फिंगर हैं और मोमोज हैं, स्टीम मोमोज भी हैं इनके पास, मंचूरियन भी है, फ्राई है। जो जो आइटम हमने खाई है उसका स्वाद क्या आपको बताऊं मैं, स्वाद बहुत ही बेहतरीन था कि ऐसा तो लगा ही नहीं बिल्कुल भी हमें कि हम किसी रेड़ी पे या दुकान पे खा रहे हैं। ऐसा लगा, ऐसा स्वाद था बिल्कुल कि जैसे हम किसी 5-स्टार होटल पे खा रहे हैं। क्योंकि मैंने, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो इनका लोकेशन क्या है और कैसे आएगा यहाँ पर? सिर्फ अपने सुखी नहर है जी, लाल बत्ती के पास में, नियर बाई रेड लाइट है। सुखी नहर है ये? कौन सा एरिया, कौन सा पड़ता है? किराड़ी चौक। किराड़ी चौक पड़ता है, किराड़ी चौक पे रेड लाइट है, रेड लाइट के पास ही इनकी दुकान है। और इनका जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है,